बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हफीज़ फ्रॉम सई टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ हुवावे की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, हुवावे नोवा 9 के बारे में, जो कि बहुत ही किलर स्पेक्स के साथ, क्रेजी लुक्स के साथ आने वाला है। दोस्तों, रेडमी नोट 11 सीरीज़ को भी ये स्मार्टफोन किल करने वाला है, पीछे करने वाला है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हुवावे नोवा 9 की कंफर्म प्राइस, कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड कंफर्म लॉन्चिंग डेट पाकिस्तान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलते रहे। सो बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। 6.5 इंच के आपको ओएलईडी डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है। यानी डिस्प्ले वाइज दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही क्लियर, बहुत ही अमेजिंग स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों स्मूथनेस के बारे में बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज आपको प्रोवाइड किया गया है, जो है बहुत अच्छी बात है। सेंटर में आपको जो है वो पंच होल, मतलब कि सेंटर डॉट में आपको कटआउट प्रोवाइड की गई है। डायनेमिक हाई और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड की गई है। चिपसेट के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि 6 NM के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों LPDDR4X के रैम के सपोर्ट के साथ, UFS 2.2 की सपोर्ट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों रीड एंड राइट स्पीड भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव है। दोस्तों यहाँ पर अगर वेरियंट्स के बारे में बात करें, दोस्तों 8 GB रैम, 128 GB, 8 GB रैम, 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरास के बारे में बात करें तो बैटरी के बारे में बात करें, चार्जर के बारे में बात करें, 66 वाट का एक फास्ट चार्जर विद टाइप सी की कनेक्टिविटी, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी हुवावे नोवा 9 में। दोस्तों जो कि बैटरी के लिहाज से और चार्जर के लिहाज से स्मार्टफोन बहुत ही किलर होने वाला है। 66 वाट चार्जर है दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर स्मार्टफोन के हम जो है वो कैमरास के बारे में बात करें, फ्रंट सेल्फी शूटर जो है वो तो आपको सेंटर जो है डॉट में आपको मिल जाती है, जो कि 16 MP तक आपको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, शायद ये आपको 32 MP तक या 16 MP तक हो सकती है, लेकिन जो बैक कैमरा है दोस्तों वो बिल्कुल कन्फर्म है। बैक के ऊपर जो आपको एक मेन सेंसर प्रोवाइड किया, एक बड़ा सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया दोस्तों, वो है 50 MP, यानी कि 50 MP तक आपको जो बैक के ऊपर सेंसर है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, 8 MP यहां पर आपको जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए दोस्तों, 2 MP आपको मैक्रो शॉट के लिए दोस्तों, 50 से लेकर 55,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन आएगा दोस्तों 2022 में। दोस्तों बहुत ही क्लियर है, अमेजिंग है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इसके लिए वेट कर सकते हो तो जरूर वेट कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलते रहे। तब तक के लिए हाफिज़ को जाइएगा, बाय बाय, लव इज़ टेकर पाकिस्तान, जिंदाबाद।